अगर घर में रखी है बहुत सारी सब्जियां और बनाना है कुछ टेस्टी सा और फटाफट से, तो बनाइए ये 15 मिनट में बनने वाली आसान सी रेसिपी बटर गार्लिक मिक्स वेज, जिसे आप अपनी मन पसंद सब्जियों से बना सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी को चुटकी में बनाते हैं। तो सबसे पहले पैन में हम डालते हैं बटर। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून बटर लिया है और बटर को थोड़ा सा मेल्ट कर लेते हैं। यहाँ पे बटर को हमें हाई फ्लेम पे रख के मेल्ट नहीं करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर रख कर मेल्ट करेंगे, नहीं तो बटर जल जाएगा। तो बटर मेल्ट हो गया और थोड़ा गर्म हो गया है, तो इसी समय हम डालते हैं फाइनली चॉप प्याज। यहाँ पे मैंने 1 कप प्याज लिया है और प्याज को हम बटर के साथ अच्छे से भून लेते हैं। यहाँ पे फ्लेम को मैंने मीडियम हाई कर लिया है और प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ ये हल्के से सॉफ्ट हो जाए उतना ही हम भूनेंगे। तो प्याज को बटर के साथ थोड़ा सा सॉटे कर लिया है और अब इसमें हम सभी वेजिटेबल्स डालते हैं। तो यहाँ पे बॉयल्ड बेबी कॉर्न्स है ये मैं डाल रही हूँ, 1 कप मशरूम ये भी डाल रहे हैं, बॉयल्ड बीन्स, ब्रोकली भी डाल देते हैं, थोड़ी सी हरी शिमला मिर्च, थोड़ी लाल शिमला मिर्च, थोड़ी सी पीली शिमला मिर्च, थोड़े से बॉयल्ड कॉर्न्स भी डाल देते हैं। तो सब्जियाँ आप जैसा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। और सभी सब्जियों को अब हम हाई फ्लेम पर रखकर अच्छे से सॉटे करेंगे। तो लगभग 4 से 5 मिनट के लिए हम इसे सॉटे करेंगे और ध्यान रहे कि यहाँ पे फ्लेम मीडियम हाई होना चाहिए। लो फ्लेम पर रखने से सब्जियों में से पानी निकलेगा और सब्जियाँ उतनी क्रंची नहीं बनेंगी, अच्छी नहीं लगेगी। इस समय हमें अभी नमक नहीं ऐड करना है, नमक हम बाद में ऐड करेंगे, नहीं तो सब्जियों में से पानी निकलेगा। तो सब्जियों को हल्का सा सॉटे कर लिया है लगभग 4 से 5 मिनट तक और जो थोड़ा मॉइस्चर था वो ख़त्म हो गया है। और इसी समय इसमें हम डालते हैं लहसुन। तो यहाँ पर हमें अच्छी क्वांटिटी में गार्लिक डालना है और गार्लिक को ध्यान रहे कि आपको क्रश करके ही डालना है, यहाँ पे इसका पेस्ट नहीं यूज़ करना है, नहीं तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। साथ ही में अच्छी क्वांटिटी में धनिया पत्ती भी डाल रहे हैं, अगर आपके पास पार्सले पत्ता है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इटालियन मिक्स्ड हर्ब्स डाल रहे हैं, इटालियन मिक्स्ड हर्ब्स नहीं है तो सिर्फ ऑरेगानो भी आप डाल सकते हैं। साथ ही में चिली फ्लेक्स भी डालते हैं, 3-4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल रहे हैं और टेस्ट अकॉर्डिंग इसमें हम नमक ऐड करेंगे और सभी को बिल्कुल अच्छे से एक बार सॉटे कर लेते हैं। यहाँ पे मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर ही हमें सॉटे करना है। तो यहाँ पे मैंने जो वेजिटेबल्स यूज़ किए हैं सभी एक्जॉटिक वेजिटेबल्स है, जैसे बेबी कॉर्न, ब्रोकली, मशरूम, तो आप जो भी वेजिटेबल्स खाना पसंद करते हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और जो गार्लिक की खुशबू है वो बहुत ही अच्छी आ रही है। तो ये हमारा बटर गार्लिक मिक्स वेज रेडी हो गया है और इसे अब हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।